हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपका एक एग्जाम हाल फिलहाल में आने वाला है, वो है दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस के लिए, वे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 50 क्वेश्चनों में जो साइंस का क्वेश्चन बनेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के बनेंगे। और उन साइंस के क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं। हम आज उन क्वेश्चनों पर एक नजर डालेंगे जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, क्योंकि एसएससी जो एक डिपार्टमेंट होता है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वो कोरिलेट करता है चीजों को। तो कोरिलेट करेगा तो हम देखते हैं कंकाल तंत्र एक पूरा जो है एक टॉपिक है इसका, बायोलॉजी का। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, हम उनसे रिलेटेड जो है आज बातें करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह के आगे क्वेश्चन बनाएगा। चलो शुरू करते हैं हम आज कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंकाल तंत्र जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सो, एक होता है इंडो। तो ये होता है मेरे भाई बाह्य कंकाल, और ये वाला होता है आंतरिक कंकाल। जो बाह्य कंकाल होता है वो हमें बाहर की ओर से सुरक्षा प्रदान करता है, और जो आंतरिक कंकाल होता है वो हमें अंदर की ओर से सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक कंकाल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। अगर आंतरिक कंकाल ना होता तो ये शरीर क्या होता, एक रबड़ का पुतला होता। तो उसे हम इकट्ठा करके एक जगह भी रख सकते थे, एक जो है बैग में भी इकट्ठा करके रख सकते थे। अगर शरीर किसका बना होता, अगर शरीर बना होता केवल मांसपेशियों का, तो उस शरीर को हम गेंद की तरह मोड़ भी सकते थे। तो ये सब कंकाल तंत्र की वजह से ही होता है कि इस पर हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर आज मजबूत खड़ा है और हार्ड रूप में है। तो ये किसके कारण है? ये कंकाल तंत्र के कारण होता है। कंकाल तंत्र जो बाह्य कंकाल होता है, ये कंकाल तंत्र कहाँ होता है? अब क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है एक एग्जामिनर कि बताइए कि बाह्य कंकाल तंत्र निम्न में से किस में होता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र हम देखें कछुए के ऊपर एक जो परत होती है हार्ड सी होती है, वो तो वो भी क्या है, एक बाह्य कंकाल तंत्र है। आपके जो बाल होते हैं ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी बाह्य कंकाल तंत्र है। आपके जो नाखून होते हैं ये भी क्या है, ये भी बाह्य कंकाल तंत्र है। आप देखोगे कि जानवरों में जो सींग होते हैं और खुर होते हैं वो भी क्या होते हैं मेरे भाई, बाह्य स्केलेटन ही होते हैं, बाह्य कंकाल ही होते हैं। अब बाह्य कंकाल, तो यहां देखो आप बाह्य कंकाल का रोल क्या होता है सुरक्षा प्रदान करने में। जो ये नाखून है अगर ये ना होता तो यहाँ ये हड्डी ना होती तो ये कैसा होता, दब जाता। फिर ये क्या आप सही से काम कर पाते? नहीं हो पाता मेरे भाई, यहाँ से दब जाता ये। तो ये इसी के कारण आपका यहाँ से क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो जैसे बाल है, बाल किसको जो है प्रोटेक्शन करते हैं, वे करते हैं आपकी स्किन को, स्किन को प्रोटेक्शन करते हैं बाल। ये भी इसका बाल भी क्या हुआ, बाह्य कंकाल हुआ। अब जैसे पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं वे भी क्या होते हैं, उसकी शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, वे भी बाह्य कंकाल होते हैं। हमने देखा कि बाह्य कंकाल हमारा कौन सा होता है, जो बाल होते हैं ये भी होते हैं और जो पंख होते हैं वे भी होते हैं। कीट पतंगों में बाह्य कंकाल होता है। अगर क्वेश्चन बन जाए मेरे भाई किससे, बाह्य कंकाल से, तो बाह्य कंकाल को हम क्या कहेंगे कि कीटों में होता है, नाखून होते हैं, खुर होते हैं, सींग होते हैं, बाल होते हैं, ये सब क्या है मेरे भाई, ये बाह्य कंकाल है। अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि आप बता नहीं पाओगे, व्हेल मछली होती है उसकी नाक में और शरीर पर बाल होते हैं, क्या वे बाह्य कंकाल नहीं होते? वे भी बाह्य कंकाल होते हैं, क्योंकि व्हेल जो मछली होती है वो मछली नहीं होती, असल में वो क्या होता है, मैमल्स ही होता है। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं कंकाल की। कंकाल तंत्र जो बाह्य कंकाल तंत्र है वो क्या होता है, वे सब मैंने आपको बता दिए हैं। यहीं से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। तो हम देखते हैं कि एंडोस्केलेटन क्या होता है, ये आंतरिक कंकाल क्या होता है जो हमारे शरीर में है, जंतुओं के शरीर में है, ये सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी क्या है, ये आंतरिक कंकाल है। आंतरिक कंकाल, हम देखते हैं कि कंकाल किसका बनता है। हमने देखा कि कंकाल बनता है अस्थियों का। अस्थि, अस्थि किसे कहते हैं मेरे भाई, अस्थियों का, अस्थि किसे कहते हैं? ये आपने देखा होगा कि जब आदमी की एक उम्र हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, उसे जब जला दिया जाता है तो एक लोटे से में इकट्ठा करके उसकी हड्डियों को क्या कहते हैं भाई, अस्थि विसर्जन कर रहे हैं।
तो हम कहते हैं कि प्राचीन काल से ही हड्डियों को क्या बोला जाता था, अस्थि बोला जाता है। अब अस्थियों का निर्माण कैसे होता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पहला क्वेश्चन, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया मेरे भाई कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहोगे, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे हम कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, यहीं से दूसरा क्वेश्चन बताइए कि जब हड्डी का निर्माण होता है तो वो किस अवस्था में होता है, भ्रूण की किस अवस्था में होता है, हड्डियों का निर्माण भ्रूण की किस अवस्था में होता है, दूसरा क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे, मीसोडर्म अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, मीसोडर्म अवस्था में हड्डियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि कौन सी कोशिकाएं इसमें, कौन सी सेल्स इसमें भाग लेती है, किसमें, हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, कौन सी सेल्स भाग लेती है, चौथा क्वेश्चन, तो हम कहेंगे कि ऑस्टियो ब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अब यहां से हमने तीन क्वेश्चन देखे, तो हम देखते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती है ये हड्डियों के आंतरिक भाग को मजबूत बनाती है, और जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है ये हड्डी के बाहरी भाग को मजबूत बनाती है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन आता है, यहां से क्या पूछेगा मेरे भाई कि हड्डी किससे बनी होती है, हड्डी में क्या क्या मिला होता है, इसमें क्या उन कौन से पदार्थ होते हैं, तो हम कहेंगे हड्डी में 50% तो क्या होता है मेरे भाई, 50% तो होता है पानी, और इसके अलावा 50% क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है भाई, कार्बनिक पदार्थ। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जरा इसे मैं हटा दूं भाई, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो हट ले लीजिए, तो मैं से थोड़ा सा हटा रहा हूं। तो देखिए भाई, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये 50% में है, इसमें एक तो होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, एक इसमें होता है मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, और तीसरा होता है इसमें ओसीन प्रोटीन। अब यहां से आपसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन और बनाएगा, एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो 50% पानी होता है, 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ इसमें भाग लेते हैं, कैल्शियम लेता है, मैग्नीशियम लेता है, ओसिन प्रोटीन भाग लेती है, तो इसमें ओसिन प्रोटीन का प्रतिशत पूछ लेता है मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे कि 32% होता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ओसिन प्रोटीन का प्रतिशत हड्डियों के निर्माण में कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 32% होता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हड्डियों का कठोर होना किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हड्डियां क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। अगर ये ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है भाई, क्वेश्चन जैसे बनेगा ऐसे ही इसी के हिसाब से बना के चलना है कि हड्डियों का जो निर्माण होता है, हड्डियों के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, तो हम कहेंगे कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट और ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 32% होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो हड्डी का निर्माण हो जाता है, हम मैं छोटी सी एक हड्डी बना देता हूं यहां पर, वैसे थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, ऐसी कुछ एक हड्डी बनाती हमने, पैर की हाथ की जो भी मान लो समझो कि एक हड्डी है, तो इस हड्डी में एक खोखला भाग होता है, पूरी ठोस नहीं होती हड्डी, हड्डी के अंदर जो है खोखला भाग होता है, मान लो कि ये खोखला भाग। अब जो ये खोखला भाग है इसे कहा जाता है मैरो कैविटी, खोखले भाग को,
और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे कहा जाता है बोन मैरो। यहां से एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, पूछता है कि बताइए कि हड्डी किन शरीर में किन किन कार्यों के लिए उपयोग में आती है। एक तो शरीर को मजबूत बनाती है, अंगों की सुरक्षा करती है, और तीसरा होता है कि ये आरबीसी का निर्माण करती है। इसमें यहां इसके किनारों पर जो सिरे होते हैं इसके, इस सिरों पर एक द्रव सा भरा होता है, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूड होता है, वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो इस फ्लूड को हम कहते हैं रेड बोन मैरो। तो इससे आरबीसी का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। एक फ्लूड और भरा होता है यहां पर, इसे हम कहते हैं येलो, ये होता है येलो। अच्छा, मेरी पेन रेड है तो इसे रेड मत मान लेना, ये येलो होता है। तो हम कहते हैं पीला बोन मैरो, पीला बोन मैरो। तो ये पीला बोन मैरो, इसका काम क्या होता है? WBC का निर्माण, WBC का निर्माण। हड्डी का जो खोखला भाग होता है उसमें एक फ्लूड होता है, उस फ्लूड को हम क्या कहते हैं? उस फ्लूड को हम कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो का काम क्या होता है? आरबीसी का निर्माण, WBC का निर्माण, और विभिन्न आयनों का आदान प्रदान, विनिमय करना, ये भी हड्डियों का ही काम होता है। तो ये हड्डियां जो होती हैं, ये हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ाती है। आरबीसी कहां से बनता है? हड्डियों के सिरे पर एक फ्लूड होता है, उसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो, इसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो होता है, ये रेड बोन मैरो होता है, यही आरबीसी का निर्माण करता है। और अगर ये कह दिया जाए कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है कहीं रास्ते में, तो हम देखते हैं कि उसमें से शरीर में से ब्लीडिंग हो गई ज़्यादा, और जो ब्लीडिंग हो जाती है तब उस शरीर को आरबीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये पार्ट होता है पीला बोन मैरो, ये क्या करता है? ये सीधा सीधा रेड बोन मैरो बनने लगता है, ये किसकी तरफ चलने लगता है? रेड बोन मैरो की तरफ चलने लगता है, और इसमें आरबीसी का निर्माण करने लगता है। तो वैसे हम अगर देखें यहां पर, तो जो ये बीच का भाग है, जो ये पीला बोन मैरो है, तो किसका निर्माण करता है? WBC का, फिर कर किसका करने लगता है? आरबीसी का निर्माण करने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, आपसे पूछ लेता है कि WBC का निर्माण कहां से होता है, कहां पर होता है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो आप क्या कहोगे? आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, और WBC का निर्माण येलो बोन मैरो में होता है। आगे चलिए मेरे भाई, अब ये हमने हड्डी में देखा, अब कहता है कि मानव कंकाल में कितनी अस्थि होती है। तो कितनी अस्थियां होती है, कितनी हड्डियां होती है? तो अगर जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, तो वो शिशु अवस्था में होता है, या कह सकते हैं बेबी बोर्न होता है, तब उसमें लगभग 350, लगभग 350। अगर बच्चा शिशु से बाल्यावस्था में आता है थोड़ा सा, तब उसमें हो जाती है 300, यानी कि हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है, और जुड़कर जो है एक हड्डी से अधिक जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करने लगती है। और जैसे ही वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है, तब उसमें हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206। अब जब इंसान जब तक मरता है तब तक जो है हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? 206 रहती है मेरे भाई। तो पूरे शरीर में हड्डियों की, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगर पूछे कि बाल्यावस्था में कितनी होती है? 300, और शिशु अवस्था में कितनी होती है? तो 350 होती है, लगभग 350। इसके बाद हम बात करते हैं, कि जो इंडो स्केलेटन है वो कितने प्रकार का होता है। इंडो स्केलेटन यानी कि जो हमारा आंतरिक, कंकाल तंत्र है, स्केलेटन है, तो वो कितने प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे कि दो प्रकार का होता है। एक प्रकार तो हमारा क्या होता है? एक प्रकार तो होता है अक्षीय, और एक होता है उपांगी। एक होता है अक्षय, एक होता है उपांगी। एक्सियल और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर और एक्सियल, तो दो पार्ट हो गए। ये जो एक्सियल होता है, ये इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80,
और जो अपेंडिकुलर होता है इसमें हड्डियों की संख्या होती है 126। तो ये बोन जो होती है इसके भाग में कितनी होती है, 80 होती है, 80 होती है और 126 होती है अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में 126। अब ये कौन कौन से भाग है, जैसे आपका सिर का भाग है, जो सिर होता है, जो आपकी पूरी खोपड़ी होती है, इसे बोला जाता है स्कल। स्कल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 29। स्कल में हड्डियों की संख्या होती है 29, जो ये पार्ट होता है। इसके बाद आती है पसलियां, रिब्स। तो रिब्स जो होती है इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब हुआ 24। 12 जोड़ी होती है, तो पसलियां हमारी जो रिब्स होती है तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। इसके बाद जो हम देखते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल। तो स्पाइनल कोड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हम कहेंगे कि 26 और शिशु अवस्था में होती है 33। रिब्स कितनी होती है, 24 होती है। स्पाइनल में कितनी हड्डियां होती है, 26 होती है, मगर शिशु अवस्था में कितनी होती है, 33 होती है। और स्कल में कितनी होती है, 29 होती है। और एक होती है स्टर्नम, जो कहां होती है, यहां पर सामने के हिस्से पर, जो चेस्ट होती है इसके सामने के हिस्से पर कौन सी होती है, स्टर्नम। अब मेरे भाई यहां पर देखें कि स्कल में 29 और 24 यहां से, 33 यहां से, एक यहां से, टोटल कितनी हो गई, 80। तो ये क्या है, एक्सियल भाग है। शरीर का कौन सा भाग है, एक्सियल भाग है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि रिब्स में कितनी, देखो कॉन्स्टेबल का पेपर है तो वैसे तो SSC हार्ड ही एग्जाम बनाएगा, ये प्राइवेट कंपनी एग्जाम बनाती है। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन तो याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी हार्ड हो जाते हैं और आपको हार्ड क्वेश्चन भी याद रखने हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले देखते हैं कि स्कल में कितनी जो है अस्थियां होती है, कितनी बोन होती है, वो होती है 29। अब हमने देखा कि जो 80 होती है स्कल में हुई हमारी कितनी, स्कल में हुई 29, मेरुरज्जु में हुई 26, रिब्स हो गई 24 और एक हो गई स्टर्नम। इसके बाद देखिए मेरे भाई, अब यहां से हम देखते हैं ये पूरा क्या है, स्कल है, ये पूरा स्कल है और स्कल में कितनी हड्डियां हैं, कितनी बोन है, 29 है। अब ये जो ऊपर का भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं कपाल। इसको क्या बोला जाता है, कपाल। कपाल जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम क्रेनियम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि पूछेगा कि बताइए कि जो क्रेनियम होता है, या कहेगा कि सिर को, जो सिर होता है, जो आपका दिमाग होता है, उसके ऊपर जो खोल बना होता है वो कौन सा खोल होता है, तो आप कहोगे कौन सा होता है, क्रेनियम होता है, या कहोगे कपाल होता है। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। तो कपाल जो होता है इसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है। और जो ये आगे का हिस्सा है जो है, इसे कहते हैं हम चेहरा, इसे हम कहते हैं चेहरा। अब इस चेहरे में, इस चेहरे को जो कहते हैं फेशियल, तो फेशियल में आपको देखो मैं सारी हड्डियों के नाम बता दूंगा, ऑक्सीपिटल हो गया, फ्रंटल पोली हो गया, हम कह सकते हैं टेम्पोरल हो गई, और यहाँ ऊपर होगी पैराटाइल, ऐसे हम हड्डियों के नाम देख सकते हैं, मगर हड्डियों के नाम नहीं पूछे जाते भाई, इसे देखेंगे फेशियल। फेशियल में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, वे होती है 14 होती है फेशियल में। फेशियल तो किससे याद रख सकते हैं, जैसे चेहरा होता है, चेहरे पे हमने क्या करा लिया, फेशियल करा लिया, ऐसे ना ही से घसे लगवा लियो, फेशियल ही तो होता है। तो फेशियल में कितनी हड्डियां होती है, 14 होती है। और इसमें जो हड्डियां होती है, ये वाली हड्डी ही जो है गतिमान होती है, नीचे वाली, बाकी सभी क्या होती है, स्थिर होती है। इसके बाद हम देखे ये 14, ये 8, तीन हड्डियां इधर कान में और तीन हड्डियां इधर कान में। देखो ये कान तो होता है पिन्ना, किसका बना होता है, कार्टेज का। नाक दो है, आगे से हिस्सा किसका होता है, कार्टेज का। अब हमने देखा
तीन कान के अंदर है, इधर तीन इधर है, तो टोटल कितनी हो गई कान में, छह हो गई। तो कान की जितनी हड्डियां हैं तो वे कितनी है, छह हड्डियां हैं। 14 6 20 और 8 28 एक रह गई। एक हड्डी कौन सी होती है, खूंटी बोलते हैं हम उसे, खूंटी। खूंटी पे जैसे सिर टांग दिया हो तो ऐसे जो है हम कहेंगे खूंटी भाई, खूंटी पे कपड़े भी तो लटका देते हो आप, इसी प्रकार खूंटी पर सिर लटका हुआ है। आपका सिर किसके ऊपर लटका हुआ है, खूंटी के ऊपर, उसे कहा जाता है हाइड। हाइड ये कितनी होती है, एक। इसे लिखा कैसे जाता है, ये कितनी होती है, एक होती है, हाइड। इंग्लिश में हाइड कहा जाता है, हिंदी में से हाइड बोल देते हैं। ये कितनी हो गई टोटल भाई, 29 हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, पसलियों की। इसके बाद बात करें पसलियों की, तो पसलियां हमने कहा कि 12 जोड़ी होती है। अगर एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पसलियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, एसएससी में कई बार आया ये क्वेश्चन कि पसलियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि पसलिए जोड़ के जोड़ को, ये होता है पसलियों का जोड़, तो इसको कहा जाता है स्टर्नम। इसको क्या बोला जाता है, स्टर्नम। पसलियों का जोड़ क्या कहलाता है, स्टर्नम। और पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, कहने का अर्थ है 24 होती है। तो 24 पसलियां होती है, इनमें से जो पहली सात होती है ये कहलाती है, जो पहली सात होती है ये कहलाती है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, ये पहली जो सात होती है इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। क्यों कहते हैं, ये आगे भी जुड़ी होती है, किससे, स्टर्नम से, और पीछे भी जुड़ी होती है, किससे, आपकी मेरुरज्जू से, कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी से। तो हम ये कहेंगे कि जो ये सात है, ये सात ही आपको क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। कहां पर, अंदर की ओर, जो आपका हार्ट है उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो आपके फेफड़े हैं उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो यही जो हड्डी होती है सात, यही आगे और पीछे जुड़ी होती है। जो इसमें 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर की पसलियां होती है, 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर की पसलियां होती है, ये कहलाती है मेरे भाई फाल्स, कह सकते हैं झूठी। सच्ची कौन सी है, सात है, और झूठी कौन सी है, तीन है। कौन कौन से नंबर की, 8 नंबर की 9 नंबर की 10 नंबर की झूठी है। तो इसे झूठी के नाम से याद रखो, ये कौन सी है, फाल्स, क्योंकि ये पीछे तो जुड़ी रहती है आगे नहीं जुड़ी रहती, इन्हें कहते हैं फाल्स। दो होती है फ्लोटिंग, ये भी एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए कि 11 और 12 नंबर की कौन सी पसलियां होती है, कौन सी रिब्स होती है, तो आप कहोगे कौन सी होती है, फ्लोटिंग होती है मेरे भाई, कौन सी होती है, फ्लोटिंग, तो इन्हें बोलते हैं हम फ्लोटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं रीढ़ में। रीढ़ की हड्डी देखें, सामने तो ऐसे दिखाई देगी और अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगी। तो हमने देखा, देखो ये जो इधर सींग से निकले हुए हैं, ये वाले, एक तो इधर निकला हुआ है और एक सींग से इधर निकला हुआ है। ये जो हड्डी है ये सबसे ऊपर वाली है रीढ़ में, रीढ़ में सबसे ऊपर वाली हड्डी, स्पाइनल में सबसे ऊपर जो हड्डी होती है यही होती है जिसमें सींग से निकले हुए है। इसके ऊपर सिर रखा है और उस पर एक खूंटी लगी हुई है, तो ये हड्डी सबसे ऊपर है और इसके ऊपर सारा भार है सिर का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हड्डी, इस हड्डी का नाम आप याद कर लो, क्योंकि बाकी का नहीं करना है, जितने भी इसमें बोन होती है वो बाकी आप याद नहीं करोगे, इसका नाम आप याद कर सकते हो, तो ये कहलाती है एटलस। बस एक का नाम याद कर लो इसका, क्योंकि ये क्यों करवा रहा हूं, कह रहा हूं मैं कि याद करो इसको, कहने का अर्थ ये है कि पूरी पूरे ब्रह्मांड को, एक देवता था यूनान में एटलस, वो पूरे ब्रह्मांड को हाथ में लिए हुए था। तो कहते हैं कि जब उसने ब्रह्मांड को उठा रखा था, और इसने किसको उठा रखा है, पूरे सिर को उठा रखा है, तो इसके लिए इसका नाम रख दिया एटलस, उस देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया एटलस। तो एटलस जो हड्डी है आपकी, वो कौन सी है, आपकी जो स्पाइनल है उसकी सबसे ऊपर वाली हड्डी है, और ये हमारी सात, एटलस से लगाकर ये वाली हड्डी हमारी सात, ये कौन सी है, ये सर्वाइकल है। टोटल सर्वाइकल की संख्या कितनी है, सात है, और ये सारी की सारी कहां है, गर्दन में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती है, तो आप क्या कहोगे, नहीं पता, ये तो बहुत सारी लगती है, कि हमारी में सात है तो जिराफ में तो बहुत सारी होगी। मेरे भाई उसमें भी सात ही होती है, जिराफ में भी कितनी होती है, सात ही होती है, चूहे में देख लो उसमें भी सात होती है,
गधे में देख लो उसमें भी सात होती है, और इंसान देख लो तो उसमें भी सात ही होती है। तो सभी की गर्दनों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? सात होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके आगे की 12 हड्डियां, तो 12 हड्डियां कहलाती है थोरेसिक। 12 हड्डियां कहलाती है थोरेसिक, जिसमें पसलियां जुड़ी रहती है, जिसमें पीछे पसलियां जुड़ी रहती है, वो क्या कहलाती है? थोरेसिक। इनकी संख्या कितनी है? 12। इसके नीचे जो आप ये गड्ढा सा देख रहे हो, ये वाला, ये गड्ढा जो बनता है कमर के बीच में, जो गड्ढा बनता है, ये कौन सी हड्डी होती है? ये लुम्बर होती है मेरे भाई। कौन सी होती है? लुम्बर होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसके बाद हम देखें तो यहां पर एक हड्डी नीचे तक जा रही है, ये वाली, ये सेक्रम होती है। ये हड्डी कौन सी है? सेक्रम है। और इसके नीचे जो हड्डी है ये पूंछ वाली, तो ये कौन सी है? कोक्सी। ये कौन सी है? कोक्सी। तो कोक्सी की भी संख्या 1 होती है और सेक्रम की संख्या भी 1 होती है। सेक्रम की संख्या भी 1 होती है और कोक्सी की संख्या भी 1 होती है। सेक्रम की संख्या भी 1 होती है और कोक्सी की संख्या भी 1 होती है। अगर ये क्वेश्चन यहां से एक और बदल बन सकता है, देखो अगर हम कहते हैं शिशु अवस्था में, शिशु अवस्था में स्पाइनल में कितनी बोन होती है, तो हम कहेंगे कि उनकी संख्या होती है 33। और आपसे पूछे कि वयस्क अवस्था में कितनी हो जाती है? 26। तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर एक ही हड्डी का निर्माण करती है, तो वे कौन सी जुड़ती है? जैसे हमने कहा सैक्रम, सैक्रम थी पहले 5, अब रह गई 1, तो इसमें से 4 जो है गायब हो गई। गायब का मतलब है कि आपस में जुड़ गई। जो आपकी कोक्सी थी ये पहले थी 4, अब रह गई 1, तो यहां से भी जुड़ गई, तो 4 तो यहां से गायब हुई, 3 यहां से हुई, तो 7 हो गई। तो 26 और 7 कितनी हो गई? 33। तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 26 हड्डियां। और उसके अवस्था में, शिशु की अवस्था में कितनी होती है? 33। तो ये तो हमारी बनी भाई कौन से भाग की? ये बनी हमारी अक्षय भाग की। अब देखते हैं उपांगी की, अपेंडिकुलर में देखते हैं कि कितनी आपकी हड्डियां होती है। तो अपेंडिकुलर में कौन कौन आता है? आपका हाथ आता है, आपके पैर आते हैं, आप ये वाला बीच वाला हिस्सा आता है, और ये कंधे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया उपांग। अब हम देखेंगे कोहनी से कंधे से कोहनी तक, कंधे से कोहनी तक ह्यूमरस, एक ही हड्डी पाई जाती है और उस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। आप जो डोला वोला बनाते हो ना, तो समझ जाओ कि जो डोले पर होगी ना आपके, तो वो कौन सी हड्डी होगी? ह्यूमरस। और उसके बाद जो कोहनी से कलाई तक केवल 2 हड्डियां होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। कितनी हड्डियां होती है? एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर वाली होती है वो होती है मेरे भाई कोहनी से लगाकर कलाई तक ऊपर वाली हड्डी, ये होती है रेडियस। और जो नीचे वाली होती है वो होती है अल्ना। तो अगर हम यहां देखें, ये वाली तो रेडियस हो गई और ये वाली अल्ना हो गई। ए वाली ऊपर वाली हड्डी रेडियस और नीचे वाली हड्डी अल्ना। यहां पर कलाई में आपके छोटे छोटे से टुकड़े पड़े रहते हैं, 7-8 हड्डियां होती है यहां पर कलाई में, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। इन हड्डियों को देखे, ये यहां पर देखे भाई, ये रहे छोटे छोटे से टुकड़े यहां पर, जो ये छोटे छोटे से यहां पर टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों को कहा जाता है कार्पल्स। कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है? कार्पल्स। और जो हथेली की हड्डी होती है इनको क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स। हड्डियां जो होती है हथेली वाली उनको क्या कहेंगे? मेटाकार्पल्स। और जो कलाई में होती है उनको क्या कहेंगे? कार्पल्स। अब ये जो आपकी उंगलियों में होती है, आप देखो उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती है, अंगूठे में 2 हड्डियां होती है, तो ये कहलाती है फ्लेंजस। तो ये फ्लेंजस हो गई। अब ये पैर और हाथ में जो उंगलियां होती है दोनों में फ्लेंजस कहलाती है। और हाथ में कौन सी होती है? ये होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजस। इसके बाद हम बात करते हैं पैर में। पैर में सबसे लंबी हड्डी होती है जांग में, पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांग में होती है, इसका नाम होता है फीमर। एक ही हड्डी होती है, सबसे भारी होती है। इसके बाद हम देखें कि यहां पर एक जोड़ होता है घुटने पर, गोड्डे पर, जिसमें आप कहते हो कि पाली लगी है। जो पाली लगी है आपकी, वो पाली किसको सपोर्ट करती है? वो सपोर्ट करती है आपके इस जोड़ को, क्योंकि ये जोड़ शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होता है। अगर ये पूछता है कि बताइए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आप कहोगे सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज।
और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है फीमर। अब यहां एक बात और ध्यान रखे, मैंने बताया कि कान में तीन इधर छह होती है। अब ये छह जो होती है, ये छह हड्डियां कौन कौन सी होती है, एक होती है मैलियस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपिस। तो स्टेपिस सबसे छोटी होती है, तो ये इसे हम किसके नाम से जानते हैं, मिस के नाम से जानते हैं। तीन हड्डियां कान के अंदर होती है, उसे बोलते हैं मिस। तो मिस हम कहेंगे मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस इनकस स्टेपिस। तो मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा मेरे भाई, पहले यहां देखते हैं। ये सबसे बड़ा जोड़ होता है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। कहां होती है, कान के अंदर होती है। तो इसके नीचे दो हड्डियां होती है, पैर के निचले हिस्से पर, पैर के निचले हिस्से पर दो हड्डियां होती है, एक होती है टीबिया, एक होती है फेबुला। एक होती है टीबिया, एक होती है फेबुला। और उसके बाद टखने पर देखें तो टखने पर हड्डी होती है टार्सल्स, और उसके आगे तलवे पर होती है मेटाटार्सल्स। जो घुटने टकना होता है, टकने पर कौन सी होती है टार्सल्स, और जो तलवा होता है उसमें होती है मेटाटार्सल्स। और यहां देखें उंगली, ये तो ही है फ्लेंजस मेरे भाई। फिर एक बार और देखिए कि जांग की हड्डी फीमर, घुटने की हड्डी पटेला, और नीचे जो पटेला के नीचे आता है वे है ऊपर टीबिया, नीचे फेबुला। ऊपर टीबिया, नीचे फेबुला, ऊपर टीबिया, नीचे फेबुला, ऊपर वाली हड्डी टीबिया, नीचे वाली फेबुला। फिर आ जाएगा टकने की हड्डी, वो होती है टार्सल्स, और जो तलवे की हड्डी होती है उसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स। अब हमारे पास क्या बची है, हमारे पास बची है 30 हड्डी इधर, 30 हड्डी इधर, 60, 30 हड्डी इधर, 30 हड्डी इधर, 60, 60 और 60 120, टोटल कितनी थी 126, 126 में से मैंने आपको 120 गिना दी कि 30 हाथ में, 30 हाथ में, 30 पैर में, 30 पैर में, तो टोटल कितनी हुई 120 हो गई। अब बची कितनी, 6 बची। अब यहां देखे भाई, ये जो ऊपर हड्डी है, ये वाली है हंसले, हंसले टूट जाए तो आप वजन नहीं उठा पाओगे, ऊपर को वजन नहीं उठा पाओगे। तो वजन उठाने के लिए कौन सपोर्ट करती है, हंसली करती है। ये दो पीछे कान से लगे होंगे, ये देखो देखो पीछे, यहां कंधे पर होते हैं ये, इसे बोलते हैं कोलर बोन। तो कोलर बोन जो होती है, कोलर से याद रखो कि कोलर ये हुआ, और जहां कोलर होता है वो जो जिस हड्डी पर होता है वो कहलाती है कोलर बोन कहलाती है। तो ये कौन सी है, कोलर बोन है, इसे हम स्कैपुला भी कहते हैं, स्कैपुला। तो हम कहेंगे कि दो तो हो गई हमारी हंसली, और दो हो गई जो है हमारी कोलर बोन। तो कितनी हो गई, दो और दो चार, दो इधर दो इधर चार, और दो हमारी यहां आ जाती है नितंब, इसे कहा जाता है नितंब। इसे नितंब के साथ साथ में हम क्या बोल सकते हैं, तो हिंदी का नाम है, इसे एक और नाम दे दिया हमने हिप बोन, इसे हिप बोन भी कहा जाता है। और एक नाम और दे देते हैं इसको, पेल्विक, पेल्विक। तो ये दो हड्डियां होती है, एक इधर और एक इधर, नितंब जो होती है ये एक और दो, दो हड्डियां होती है। और यहां जो ये खोखला सा भाग दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये तय करता है कि कोई कंकाल अगर हमें बहुत पुराना मिल जाए कि ये मेल है या फीमेल है। कोई भी कंकाल ऐसा जो हमें प्राप्त होता है उसकी जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है कि ये मेल है या फीमेल है, तो कहां से पता चलता है, हिप बोन से। अगर ये थोड़ा हिस्सा बड़ा होता है तो ये महिलाओं का होता है, और जो थोड़ा कम होता है तो ये पुरुषों का होता है। तो मेल अगर पता करना है तो थोड़ा कम रहेगा, और फीमेल होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा। इसका कारण क्या होता है कि पुरुष महिलाओं को बच्चे पैदा करने होते हैं, पुरुष कहां बच्चे पैदा करते हैं भाई, तो इसलिए जो है ये यहां से हिस्सा क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। यही एक पहचान है कि पूरा जो आपका कंकाल है कि ये फीमेल है या मेल, इसकी पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नितंब बोन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हमने हमारा एक क्वेश्चन और बनता है भाई, यहां से ये पूछ सकता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है, तो ये पूछ सकता है। तो ये आप बता सकते हो पसलियों का जोड़ क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है, और गर्दन में कितनी हड्डियां होती है, ये भी आप बता सकते हो। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो बच्चा पैदा होने के समय तक ही विकसित होती है, उसके बाद विकसित नहीं होती, उसमें कोई विकास नहीं होता, तो वे कौन सी होती है, वे तीन हड्डियां होती है मेरे भाई, वे होती है मिस, मैलियस इनकस और स्टेपिस। ये तीन हड्डियां ऐसी होती है कान के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है तब तक इनका विकास हो लिया होता है, उसके बाद इनमें कोई विकास नहीं होता,
सभी हड्डियों में विकास होता है, बाकी इन दोनों तीनों हड्डियों में कोई विकास नहीं होता। अब यहां से हम देखें, जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा कि बताइए कि आपके कंधे से नीचे कोहनी से ऊपर कौन सी हड्डी होती है, वो होती है ह्यूमरस। अगर पूछेगा कि हाथ के निचले हिस्से पर ऊपर वाली हड्डी कौन सी होती है तो रेडियस, नीचे वाली कौन सी होती है तो अल्ना, कलाई की हड्डी कौन सी होती है कार्पल्स, और हथेली की हड्डी कौन सी होती है मेटाकार्पल्स, उंगलियों की हड्डी कौन सी होती है फ्लेंजस। तो इसका आगे का पार्ट हम कल देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे मेरे भाई। जो भी इसमें और क्वेश्चन बचे हैं उस क्वेश्चन पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। इसमें से 10 से 15 20 क्वेश्चन जो होंगे उसकी हमने एक पीडीएफ बना रखी है, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उस क्वेश्चनों पर आप अपने आंसर बना के देखना। इसके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, उस पर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आप उनके क्वेश्चनों के आंसर देना है आपको, ठीक है। तो बच्चों आज ये क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय, टाटा बाय बाय, ठीक है मेरे बच्चों।